हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सवारी कंज्यूमर की। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सब देख सकते हैं कि आज ही मैं इसमें अपर सॉकेट लगता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पिछले भी वीडियो में बताया था कि इसमें जो ये मोमेंटम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इनमें 23 तारीख को यानी कल इनकी बोर्ड की मीटिंग है और वो ऑडिट करेंगे अपने फाइनेंशियल की, क्या उनका फाइनेंशियल रिजल्ट था पिछले क्वार्टर में और पिछले ईयर, तो सब इसमें ऑडिट करेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा इसमें आपका मोमेंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इसमें बाइंग के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा वेट करें आप, क्योंकि ये शेयर जो पेनी स्टॉक शेयर होते हैं वो अपने न्यूज़ के आधार पे चलते हैं, न्यूज़ के आधार पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको पेनी स्टॉक और जो बेटा स्टॉक होंगे उनसे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, अपडेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस कंपनी में भी बहुत ही डेप्थ है, कंपनी में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं, जल्दी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और कंपनी के जो बिजनेस है वो भी अच्छा नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, फ्रेश बाइंग ना करें। जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग इसमें कर रखी है पहले से और जिन्होंने हाई प्राइस पे इसको ले रखा है वो होल्ड कर रखें कि जब भी इसमें कोई अपडेट आएगा, कोई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली ये शेयर आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, इसमें जो टोटल एसेट था वो अगर 2016, 2017 या 2018 में बात करें तब तो बहुत ही अच्छा था, कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2019 और 2020 में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो चुकी है और कंपनी कर्ज में भी बहुत है। अभी मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें आप इन्वेस्ट करें, जो भी इसमें भी प्रॉफिट में होंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये फूड सेक्टर में काम करती है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकती है, सोया ऑयल हो गया, बेसन हो गए, घर की जो भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की सब चीज़ें में डील करती है। लेकिन अभी बिजनेस की बात करें इनका, तो बिजनेस इनका अच्छा नहीं चल रहा, ग्रोथ नहीं आ रही बिजनेस में। और दोस्तों, ये जैसे कि बिजनेस अभी जो शेयर अप चल रहा है तो मैंने आपको पहले बताया जैसे कि ये अपने न्यूज़ के कारण अप चल रहा है और इसमें डाउनफॉल भी जल्दी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ध्यान से ट्रेड करें। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जो भी इसमें अपडेट आएंगी, जो भी इसमें न्यूज़ आएंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आपको न्यूज़ देता रहूँगा। और जब भी इसमें बाइंग का मौका आएगा तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी आप इसमें होल्ड करें क्योंकि जो मैंने आपको टारगेट बता रखा था पहले, जब तक ये 1 रुपये 15 पैसे को पार ना करे, 1 रुपये 15 पैसे को पार ना करे तब तक इसमें ये अप मोमेंट का नहीं आ सकता, उसके बाद ये अभी अप डाउन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जो भी इन्वेस्टिंग करें तो सोच समझ करें, अपनी समझ से करें, पैसा आपका है, प्रॉफिट और लॉस भी आपका ही होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।